सबसे अहम सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगा। आज कुछ तजवीज़ जिसे प्रस्ताव पास किए गए उसमें एक हिस्सा है, उसमें कहा गया है कि सरकार के संरक्षण में बहुसंख्यक वर्ग के दिमागों में जहर घोला जा रहा है, ये उस प्रस्ताव का हिस्सा है। क्या कहना चाहते हैं आप इससे? कहना ये चाहते हैं कि सरकार की जिम्मेदारी है कि वो नफरत, अलगाव, टकराव, लोगों को बांटने वाली जितनी चीजें हैं उनको एक हद से आगे न जाने दें, और अगर कोई चीज हद से गुजरती है तो सरकार को बोलना भी चाहिए, रोकना भी चाहिए। सरकार इसमें फेल हुई है। अब किस वजह से हुई है वो सरकार बताएगी, हमारी फीलिंग ये है कि सरकार फेल हुई है। जब सरकार फेल हुई है तो हम उसको पॉइंट आउट कर रहे हैं। वही उसमें कहा गया है कि हम ये समझते हैं कि देश में बसने वाले लोगों का आपस में टकराना ये देश हित में नहीं। सर आज आप भावुक भी हो गए थे, आपने देखा आप मंच से रोए भी थे, क्यों आप? अब ये तो इंसान है, अलग अलग कैफियत आदमी पर होती है। जिस तरह का माहौल है और जिस तरह से बनाया जा रहा है तो उसका असर होता है। ठीक है सर, आपने एक और बात कही बहुत इम्पोर्टेंट कि हमारे सब्र को हमारी कमजोरी ना समझा जाए, क्या कहना चाह रहे थे आप? वो तो वहाँ आपने सुन लिया क्या कहना चाह रहे थे, अब और क्या बताऊंगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इसको और यही कह रहे से बताएं। नहीं, जितना कहा है उतना ही काफी है। ठीक है सर, और बहुत इम्पोर्टेंट इशू है जो आपके एजेंडाज हैं उसमें मुख्य तौर पर ज्ञानवापी मथुरा की बात है और कॉमन सिविल कोड की बात है, दोनों चीजों पर हम आपकी राय जानना चाहेंगे। रेजोल्यूशन के ऊपर काम चल रहा है, अब वो तैयार हो जाएगा उसके बाद ही उस पर कुछ टिप्पणी कर सकेंगे। सर आप 1000 सद्भावना संसद करने जा रहे हैं, क्या कॉन्सेप्ट है इसका और इसके जरिए क्या संदेश देना? कॉन्सेप्ट ये है कि लोगों ने धर्म के नाम पर बांटने की कोशिश की है तो हम लोगों को जोड़ने की कोशिश करेंगे और सद्भावना संसद करेंगे, कम से कम 1000 जी, ये हमारा इरादा है। अब देखिए हो सकता है इससे ज्यादा भी हो जाए। सर आपका जो नजरिया रहा है ज्ञानवापी को लेकर खासतौर से, वो ये रहा है कि सड़कों पर इस मुद्दे को ना लेकर जाया जाए। पीछे मीटिंग ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की हुई थी, उसमें कहा गया कि सड़क पर इसको लेकर जाया जाएगा, ये क्या डिफरेंस ऑफ? अभी कोई डिफरेंस नहीं है, सब लोग इस पर सहमत हैं कि इस माहौल में कोई जब एक ऐसा कंटेंजस इशू है जी तो उसको सड़क पर ले जाना अच्छी बात नहीं होगा। उसको जैसे महज़ब समाज के बीच में अगर कुछ डिफरेंस होना स्वाभाविक है, बहुत सारी चीज़ों में हमारे डिफरेंसेस हो सकते हैं, तो डिफरेंसेस को ख़त्म करने के जो तरीके होते हैं उन तरीकों को रखना चाहिए, न कि उसको सड़क पर हल किया जाए। मैं कंक्लूड कर रहा हूँ, ये आपकी नज़र में क्या हाल है? ये एक के बाद एक हो रहा है, ज्ञानवापी की बात हो रही है, कुतुब मीनार की बात हो रही है, ताजमहल की बात हो रही है, ऐसी एक लंबी फहरिस्त है, क्या हल है आपकी नज़र में इन सब मुद्दों का? अब ये तो समय बताएगा अभी हम क्या कहें। एक प्रोसेस है, लोग कर रहे हैं, अब इसको अभी से क्या बताएं। तो मौलाना महमूद मदनी जो कि हिस्सा ले रहे हैं 2 दिन के राष्ट्रीय अधिवेशन में और तमाम मुद्दों पर उन्होंने अपनी बात रखी है। कैमरा पर्सन राजेश के साथ जावेद मंसूरी, न्यूज़ 18 इंडिया, देवबंद।